तो ये नई गाड़ी है पंच जो अभी जस्ट लॉन्च हुई है, आज मेरे को मिली है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सी है, मतलब DRL वगैरह दिया हुआ है, नीचे हेडलाइट वगैरह दी हुई है। इस गाड़ी को बेसिकली क्या किया गया है ना, हैरियर और नेक्सॉन एल्ट्रॉस सबको मिला के कम्बाइन करके ये गाड़ी बनाई गई है। तो इसमें आप देख सकते हो जो ग्रिल है वो ऑल्दो पूरी हैरियर नेक्सॉन से एक्सपायर है, और हेडलाइट वगैरह जो है वो पूरी हैरियर की दी हुई है। काफ़ी क्यूट सी, अच्छी दिख रही है, स्मॉल सी, और तो कहीं कोई डायमेंशन वाइज तो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। और पीछे से भी आप देख सकते हो काफ़ी क्यूट दिख रही है, और बड़ी दिख रही है गाड़ी, उतनी छोटी दिख नहीं रही है। रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह दिए हुए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अलॉय व्हील दिए हैं, सुंदर है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बिजी लग रहे हैं, बट ऑल दो सुंदर है। आप ये साइड व्यू देख सकते हो, गाड़ी बड़ी दिखती है, बेसिकली उतनी छोटी दिख नहीं रही है। तो टाटा तो डिज़ाइन में खैर मास्टरी कर ही चुका है, वो सब चीज़ें हैं। अंदर से क्या सीन है वो थोड़ा सा अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सारा सीट्स वगैरह जो हैं, थोड़ा मैं पीछे कर लेता हूँ, सीट्स वगैरह जो हैं काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हैं, मतलब जिस बजट में ये आएगी उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी लग रही है, फर्म है, आपको होल्ड करके रखती है। बहुत अच्छा सा टेक्सचर दिया हुआ है, ये कुछ शाइनी मटेरियल दिया हुआ है, और पता नहीं कितनी दिन तक ये लास्टिंग कितना होगा, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इसमें स्क्रैच वगैरह लग सकते हैं। हेरमैन का यूनिट दिया हुआ है, इसमें सेम वही इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया हुआ है जो आपका अल्ट्रॉज में दिया हुआ था। तो सब चीज़ें हैं, बाकी ये 5 गियर 1 रिवर्स ये सब है, ऑटोमेटिक यूनिट दिया हुआ है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह दिया हुआ है। यार एक चीज़ माननी पड़ेगी, क्या है ना कि इनकी जो फिट एंड फिनिश है ना, ये टाइम टू टाइम एकदम बढ़ती चली जा रही है। मतलब कहीं पे भी कोई पैनल गैप, ये सब चीज़ें ना कहीं पे कोई चीज़ है नहीं, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से फिट एंड फिनिश वगैरह दिया गया है। ORVM के स्विचेज यहाँ कर दिए गए हैं, जनरली टाटा में यहाँ रहता है, तो वो एक शायद इन्होंने फीडबैक नोटिस किया है कस्टमर्स की तरफ से, तो यहाँ पे कर दिया, तो जो थोड़ा बहुत कन्वीनियंट होता है, पास में होता है, तो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं, तो वो सब है। बाकी ऑटो, और ये जो ऑटो अप डाउन है ये सिर्फ ड्राइवर साइड पे है, और बाकी एलिमिनेटेड भी नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। लॉक अनलॉक सारी फंक्शंस दिए हुए हैं, चारों विंडो पावर हैं। अगर कंफर्ट वाइज बात की जाए तो स्पेस में तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, हैंड रेस्ट है, यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं गया है, तो वो एक मिसिंग लगता है कि एक हैंड रेस्ट आदत पड़ गई है अभी हम लोगों की, तो काफ़ी ब्लैंक लगता है। मतलब आप जब गाड़ी चला रहे होते तो काफ़ी नीचे ये हैंड ब्रेक भी काफ़ी नीचे है। बाकी ये एक पोर्ट यहाँ पे दिया गया है चार्जिंग के लिए, सीक्रेट लाइटर है, एक यहाँ पे पोर्ट बनाया गया है, और एक ये डायरेक्ट फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट दिया गया है। तो सब चीज़ें हैं, ऑटोमेटिक AC वगैरह है, ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है, ठीक है, इस बजट में आप उस बहुत ज़्यादा आप वो भी नहीं कर सकते हो। फिट एंड फिनिश वगैरह जैसे मैं बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई हैं, कहीं पर भी पैनल गैप वगैरह है नहीं, तो वो सब चीज़ें हैं। ये पूरा टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, अगर आप ये देखोगे ना, ये उभरा हुआ है थोड़ा सा 3D स्टाइल में, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो जिस बजट में ये आ रही है उस बजट में ये तहलका मचाने का तो पूरा मादा रख रही है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। बाकी पीछे भी थोड़ा सा भी आपको मामला क्या है बताते हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे कोई ग्लास होल्डर या सन ग्लास होल्डर वगैरह दिया नहीं गया है, वो सब चीज़ें हैं। ये देखिए कितने प्यार से उतर रहा है, तो मतलब कॉस्ट कटिंग वगैरह यहाँ पे नहीं की गई है, तो वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है टाटा की, टाटा हमेशा ही स्पेस देने के लिए जाना जाता है, तो वो सब चीज़ें हैं। प्लास्टिक क्वालिटी मतलब आप बहुत अच्छी नहीं कह सकते, बट अगेन मैं हर चीज़ डिपेंड करता है ना कि आपने बजट क्या खर्चा किया हुआ है। तो ये प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह बहुत उस हिसाब से जिस बजट में ये गाड़ी आ रही है ना, वो बहुत सही है, मतलब अच्छी लगती है, ऐसा कहीं पे भी कुछ ख़राब नहीं लगता। और ये पूरा रैप एंड स्टेयरिंग रैप वगैरह दिया गया है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे क्या है मामला थोड़ा सा चल के देखते हैं। ये वाइट टेक्सचर में पूरा ही वाइट है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो धूप धीरे धीरे सब चीज़ें लग भी रही हैं गंदगी, वो सब चीज़ें हैं। हैंडल थोड़ा जैसे आपने और भी बहुत सी गाड़ियों में देखा होगा उस हिसाब से है। पीछे का मामला क्या है, पीछे का मामला स्पेस वाइज यार देखो, मैंने आगे की सीट अपने हिसाब से एडजस्ट की थी। मैं फिर से बता देता हूँ, मेरा हाइट है 6 फिट, और ये बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा, और मतलब बहुत, ये देखिए पूरा पैर भी है, ये नीचे भी स्पेस दिया हुआ है, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम वगैरह भी हेडरेस्ट अच्छे से दिया गया है। ये यहाँ पे क्यों किया गया है मुझे पता नहीं, आई गेस यहाँ पे कोई पिलर लाइनिंग दी गई होगी ऊपर बिल्ड के लिए, वो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग से दिया गया है।
हैंडल वगैरह सब रे दिए गए हैं, कोट हैंडल वगैरह सारा हुक वगैरह बना है, काफ़ी अच्छे से ब्रश एलिमिनेटेड स्टाइल में दिया गया है। यहाँ पे भी पावर विंडो वगैरह के स्विचेस हैं, ऑल दो एलिमिनेटेड भी नहीं है और कलरफुल भी नहीं है। ये यहाँ पे एक हैंडरेस्ट दिया गया, आगे मिसिंग है, यहाँ पे होना चाहिए था, ड्राइवर साइड पे होना चाहिए था, इसको मतलब स्किप कर सकते थे बट ड्राइवर साइड पे होना चाहिए था बिकॉज गाड़ी चलाते हुए ना कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कोई कप होल्डर वगैरह नहीं है बट ठीक है, और ये लटकता नहीं है तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप हाथ रख सकते हो। और ये हेडरेस वगैरह दिया गया है तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट कटिंग कहीं दी नहीं गई है, और ये सारी चीज़ें ना सिर्फ टॉप मॉडल में हैं और बाकी तो फिक्स टाइप है। बाकी ये हेडरेस वगैरह यहाँ पे है तो ये भी अच्छा है। यहाँ से आप देखिए सारा कितनी प्यारी लगती है गाड़ी, तो वो है। और टाटा पंच मानदा तो रखती है, ऑल दो इसके इंजन स्पेसिफिकेशन 3 लीटर का इंजन आ रहा है इसमें, कैसा है क्या है वो मैं आगे बताऊँगा इसको थोड़ा जब चलाएँगे। तो अभी तो ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है कि गाड़ी का लुक कैसा है, गाड़ी कैसी है। और ये कलर भी इनका कुछ ब्राउन टोन में कलर है, अच्छा लग रहा है, स्ट्राइकिंग कलर है बिकॉज ये गाड़ी एक्चुअली टारगेट ही ये देखो यहाँ पे टाटा की भी ब्रांडिंग दी गई है, तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टचेज़ हैं, काफ़ी सुंदर से दिखने वाली टेल लाइट है और बहुत अच्छा लगता है रात को जब भी जलती है ना, पंच की बैजिंग दी गई है, सब चीज़ें हैं छोटे छोटे आपको आपको दिख रहे होंगे, ये टाटा हमेशा ये सब चीज़ें करती है। रियर वाइपर, रियर डिफॉगर दिया गया जो बहुत अच्छी चीज़ है, और इसकी क्वालिटी भी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है वो सब चीज़ें। तो कलर भी काफ़ी स्ट्राइकिंग है, अच्छा सा कलर है बिकॉज ये यंग जनरेशन को ही ध्यान में रख के बनाया गया है, तो वो सब चीज़ें हैं। और रूफ रेल भी है और ये फंक्शनल भी है, ये रूफ रेल फंक्शनल भी है। एग्जैक्ट मेरे को वेट नहीं पता है कितना होना चाहिए, कितना वेट ये ले सकता है, बट ये है। बाकी एक बार और आप आगे से देख सकते हो, तो मतलब ऐसा लगता है कि टाटा ने ये हॉर्न की यहाँ पर प्लेसिंग दी गई, ये थोड़ा सा हॉट लगता है, मतलब पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसे छोड़ दिया है बट हॉर्न पीछे लगा हुआ है। बट अभी टाटा क्या कर रहा है ना, उनकी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ हैं लाइक उनकी नेक्सॉन हो गई, अल्ट्रॉज हो गई और आपका हैरियर हो गई, वो सबको मिक्स करके एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इस गाड़ी में वो बहुत अच्छे से देख सकते हो। तो लाइक नेक्सॉन की उन्होंने ग्रिल डाल दिया है, हैरियर की लाइटिंग हैरियर स्टाइल में, और आगे से अंदर से जो है वो पूरा मोर और लेस आपको अल्ट्रॉज जैसा सेटअप दिखता है। तो यही सब कुछ था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, जब इसको चलाएंगे तो उसके इंजन के बारे में आपको बताएंगे। चलिए, थैंक यू।